एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल युविका ब्यूटी। आज मैं फिर से आपके लिए स्किन केयर वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, बिल्कुल भी हेल्दी फील नहीं कर रही है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है, आपकी स्किन अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक फेस पैक में है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फेस पैक आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज करे हैं सारे नेचुरल है और इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे घर में। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो घर में है उसी का यूज करके हम एक मैजिकल फेस पैक बनाने वाले हैं। तो वो फेस पैक ये है। तो इस फेस पैक में मैंने क्या क्या यूज़ करा है और ये फेस पैक मैंने कैसे बनाया है मैं आप लोगों को दिखा। तो गाइस, सबसे पहले आपको 2 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर लेना है, यानी कि बेसन। उसके बाद लेना है 1/4 टेबल स्पून हल्दी, यानी कि टर्मरिक। उसके बाद लेना है आपको 2 टेबल स्पून ऑफ दही, यानी कि कर्ड। और इन सबको आपको अच्छे से मिलाना, एक फाइन पेस्ट बनाना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, एक फाइन पेस्ट बनाइए, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और इसको कैसे यूज़ करना है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया इस फेस पैक को बनाना कितना इजी है, और हमारे घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है फेस पैक, जो आपके फेस के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपके फेस को लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारा बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। एक्चुअली घर में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, बट उसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है उस लोगों में नहीं होता है। तो ये इस फेस पैक को कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। विदाउट गेटिंग एनी फर्दर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा चुकी है, और इसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। आप चाहो तो इसे नेक में भी लगा सकते हो, पर मैं आज नेक पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं बाथ ले चुकी हूँ, तो फिर दोबारा से मुझे नहीं नहाना है, दैट्स व्हाई। तो गाइस, इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करे वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसमें मैंने दही यूज करा है जो कि हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। इसमें मैंने बेसन यूज करा है जो पोर्स को क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है, स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। और इसमें हम लोगों ने हल्दी यूज़ करा है। हल्दी जो है वो हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है वो आप लोगों को पता ही है। शादी से पहले 10-15 दिन पहले से ही हम लोग हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि ब्राइट जो है वो नेचुरली ग्लो करे, नेचुरल लाइट और ब्राइट हो उसका स्किन। तो हल्दी जो है वो आपके स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, बेसन आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है, दही आपके स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ये फेस पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, एक बोलते हैं ना मैजिकल फेस पैक है ये हमारे स्किन के लिए। इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट तक, और फिर इसको नॉर्मल पानी से वॉश करें। तो गाइस, 15 मिनट हो चुका है, पर ये अभी भी पूरे तरीके से नहीं सूखा है, हल्का गीला ही है। हम इसे पूरे तरीके से सूखने भी नहीं देंगे, हल्का हल्का गीला ही रहने देंगे, और फिर हम इसे थोड़ा मसाज देंगे ताकि जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाए। अच्छी तरीके से मसाज कर लिया, अब मैं इसको धो करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं इसको अच्छी तरीके से धो चुकी हूँ, सो गाइज, मैं अपने स्किन को धो करके आ चुकी हूँ, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन फील कर रही है। पैक को आप वीक में कम से कम 2-3 बार लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। आप इसमें चेंज भी ला सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, यानी कि शहद। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप एक्नी प्रोन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें
थोड़ा सा लेमन जूस मिला दीजिए यानी कि नींबू का रस, तो आपका फेस पैक रेडी है बस। और कुछ नहीं, आपको अपने हिसाब से आप उसमें चेंज भी ला सकते हैं। अगर आपको अलग से सेपरेट वीडियो देखना है कि ड्राई स्किन वालों के लिए फेस पैक हम कैसे बनाएंगे और ऑयली स्किन वालों के लिए फेस पैक कैसे बनाएंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। बट ये फेस पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। वीक में कम से कम 2-3 बार इसको लगाओ। तो ये फेस पैक स्पेशली मेरी बेबी, मेरी स्वीटी के लिए है। उसी ने मुझसे बोला था कि आप बेसन फेस पैक पे एक वीडियो बनाओ, बेसन फेस पैक पे वो एक वीडियो देखना चाहती थी। सो दिस इज फॉर यू माई बेबी रिया। तो मुझसे पूछेंगे कि रिया कौन है, मैं बहुत जल्द आप लोगों को उससे मिलवाऊंगी। सो यार गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और भी अगर कुछ जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अगर कुछ जानना तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।